राहुल राय हॉस्पिटल में प्रकरण ये है कि मेरे द्वारा जो है उस राहुल राय और राहुल हॉस्पिटल के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष और उच्च अधिकारियों को, एडीजी जोन वाराणसी को लिखित रूप से हम प्रार्थी द्वारा शिकायत की गई है कि उनके अस्पताल में पुलिस उपाधीक्षक नगर फायर सर्विस मऊ जनपद के यहाँ से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अस्पताल और भवन के संबंध में उनके द्वारा विनियमित क्षेत्र अधिकारी के यहाँ से प्रमाण पत्र जारी करा लिया गया है और अस्पताल गलत ढंग से संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर राहुल राय के खिलाफ 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या ये 557/20 अराजी नंबर 20 मौजा इमलिया थाना सराय लखमती थाने में इनके खिलाफ भू माफिया का FIR दर्ज है और इनके खिलाफ 12 लोगों के उस FIR में और नाम हैं और इनके द्वारा राहुल हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सुरेंद्रनाथ राय के लड़के राहुल राय द्वारा जो है झांसी मेडिकल कॉलेज की छात्रा जो गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की रहने वाली है, उनकी बेटी तमाम है, उस लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ उसका गर्भपात कराकर और इनकी इन डॉक्टर राहुल राय द्वारा डॉक्टर प्रीति मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में नावाबाद थाने में जनपद झांसी में 722/16-302 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद जांचों उपरांत इनके द्वारा अपने धन बल के डॉक्टर सुरेंद्रनाथ राय राहुल हॉस्पिटल के मालिक अपने लड़के को बचाने में पुरजोर ताकत लगाकर धन जल का प्रयोग कर अपने उस मुकदमे में 722/16 में दो दो बार FIR लगवा दिए उस मुकदमे में और क्लीन चिट ले लिए। तत्काल इस पूरी घटना की जानकारी मृतक डॉक्टर प्रीति मिश्रा के भाई डॉक्टर अंकुर मिश्रा जो गोरखपुर का लड़का रहने वाला है उसको हुई। तत्काल उसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और इस पूरे मामले की शिकायत की गई। तत्काल मुख्यमंत्री द्वारा इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर CBCID यूनिट कानपुर को पूरे प्रकरण का ट्रांसफर किया गया। जांचों उपरांत CBCID ने पाया है कि डॉक्टर राहुल राय 306 का उस मुकदमे में मुलजिम है एवं डॉक्टर SN राय, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ राय व राहुल राय का मुख्तार अंसारी के परिवार से घरेलू संबंध है और इनके द्वारा उस गैंग को समय समय पर जरूरत के हिसाब से मोटी रकम गोपनीय तौर से दी जाती है, आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। यह खेल विगत 5 वर्षों से चल रहा है। मुख्तार अंसारी के हिसाब से मोटी रकम गोपनीय तौर से दी जाती है, आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। यह खेल विगत 5 वर्षों से चल रहा है। मुख्तार अंसारी का लड़का जो चुनाव अब्बास अंसारी जो मऊ से जीता है उस चुनाव में भी इनके द्वारा लाखों रुपए की मदद की गई है गोपनीय ढंग से और इनका संबंध मऊ में मुख्तार अंसारी से जगजाहिर हो चुका है। इनके द्वारा डॉक्टर सुरेंद्रनाथ राय जो राहुल हॉस्पिटल के मालिक हैं इनके द्वारा लगभग 1000 से 1500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की गई है जिसमें बेनामी संपत्ति भी इनकी है। मुख्तार अंसारी का इनके कारोबारों में पूर्व में पैसा भी लगा है जो एक नंबर में अपने पैसे को करके और मुख्तार अंसारी का जो है यह बराबर सहयोग करते चले आ रहे हैं। मैंने जो है अपने प्रार्थना पत्र में उच्च अधिकारियों को ये बताया है कि इनके द्वारा, इनके पुत्र के द्वारा जितने कुकृत्य किए गए हैं, जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन सारे मुकदमों का संज्ञान लेकर इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए और इनका अस्पताल ध्वस्त किया जाए, इनका अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाए, ध्वस्त किया जाए। इन लोगों के विरुद्ध उक्त दर्ज मुकदमा 722/16 व 555/20 जो मऊ सराय लखमती थाने में भू माफिया का दर्ज है उसका संज्ञान लेकर और अभी तक यह न्यायालय से इसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह फरार है और पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अनुरोध है, अनुनय है, विनय है कि तत्काल प्रभाव से मेरे प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर दोषी डॉक्टर की जो है तत्काल गिरफ्तारी कराई जाए। इन लोगों के खिलाफ राजपत्रित अधिकारी जो जांचों उपरांत जो दस्तावेज फर्जीवाड़ा किया हुआ पाया गया है उसके समक्ष इन लोगों के खिलाफ, इनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराए, हम प्रार्थी को न्याय दिलाया जाए।